Brought to you by Physics Wala. अरे राजपूत बिरादरी के लिए जाति की बात आप करते हो? राजपूत बिरादरी के लोग थे, खुल के गुंडा ही किए हैं। किसके इशारे पर हुआ ये? ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है। इसकी हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, लेकिन अगर इनमें कोई भी पक्ष एक समझदार होता तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के गोसलपुर पहदरिया गांव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गाजीपुर के जहूराबाद विधायक ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि कल उन पर कुछ लोगों ने लाठी डंडे और कट्टे से हमला कर दिया। जब वो गांव के ही एक राजभर परिवार का द्वार करने पहुंचे थे, उनका आरोप है कि 20 लोगों ने उन्हें लाठी डंडे कट्टे बंदूक के साथ घेर लिया और गाली गलौज के साथ जान से मारने पर उतारू हो गए। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से मारपीट व अभद्रता की बात भी कही। अरे राजपूत बिरादरी के लिए जाति की बात आप करते हो? राजपूत बिरादरी के लोग थे, खुल के गुंडा ही किए हैं। किसके इशारे पर हुआ ये? ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है। कोई व्यक्ति विशेष चेहरा? अरे हुआ चेहरा, हम नाम नोट नहीं किए हैं, हमारे पास नाम बता देंगे। अब जिस तरह का वो लोग बिहेव किए हैं ना, वो आपको चौथी घटना है, एक दो घटना नहीं चौथी घटना है। अगर 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है तो क्या एक्शन होगा? 25वें घंटे गाजीपुर में हमारा डेरा गिरा देंगे, पत्रकारों की तरह नहीं बलिया करेंगे, डेरा गिराएंगे तो हम डटे रहेंगे। दुआ ढाई ये नहीं कि भाजपा आई तो डेरा डंडा लेके जाई। इस मामले में स्थानीय महिलाएं जिनके घर ओम प्रकाश राजभर गए थे, उन्होंने भी कुछ स्थानीय दबंगों पर जान से मारने और धमकाने का आरोप लगाया। लेकिन वहीं आरोपी ब्रजेश सिंह का कहना है कि वो अपनी गाय चराने गांव के लिए जा रहा था, तभी पर वहां मौजूद विधायक ओम प्रकाश राजभर के लोगों ने उसे गालियां दी और वहां गाय चराने से मना किया। क्या हुआ था आज? हम गए थे वहां पर अपनी गाय चराने, तो वहीं पर सभी लोग बैठे हुए थे, इकट्ठे हुए थे, कम से कम 100-150 की संख्या में थे सभी लोग। और वहाँ पर हम गए गाय चराने के लिए, तो हमें वहाँ से गाली देकर और डंडे से मार कर और खेदने लगे वहाँ से, और बोलने लगे कि आज के बाद से यहाँ पर गाय चराने के लिए लेकर मत आना। कहाँ पे गए थे गाय चराने? वो हमारे गांव में पड़ती है, नवीन पड़ती, हाँ चरागाह है, वहीं मानसपुर में। क्या आप अकेले थे? हाँ, हमारा मैं था और मेरा छोटा भाई था। तो उनका आरोप है कि आप लोग भी 15-20 की संख्या में गए थे? नहीं, 15-20 हमारे घर में लोग ही नहीं थे, 15-20 की संख्या में कहाँ से गए थे। लेकिन जो मौके पे वहाँ पे कुछ औरतें हैं, वो तो कुछ और बता रही हैं, कह रही हैं कि आप लोग बाइक से कुछ लोग थे, आने जाने को लेकर विवाद हुआ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं सर, फिलहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पूछताछ कर रहे हैं, तहरीर दे दी गई है। हालांकि पुलिस अधीक्षक के बयान ने इस शांत होते मामले को नई हवा दे दी है। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने कहा, देखिए मामला ये है कि वहाँ करीमुद्दीनपुर थाना अंतर्गत एक गाँव में एक राजभर जी की मृत्यु हो गई थी, उसमें ये 4-5 दिन पहले हुई थी, तो उसको देखने आए थे, उनके घर में आए थे शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। ये 7-8 गाड़ियों में आए थे और इनकी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी। गांव के ही 2 लड़के मोटरसाइकिल से आए, तो मोटरसाइकिल निकालते समय उनकी गाड़ी छू गई उसमें गाड़ी में। इसी बात को लेकर के इनका विवाद हो गया। जो इनके साथ लोग आए थे उन्होंने जो मुझे बताया गया कि एक थप्पड़ मार दिया था जो लड़का मोटरसाइकिल लेके आ रहा था। इसी पर फिर जब वो अपने घर गए तो वो सारे लोग आ गए कि इसे क्यों मार दिया गया, इसी पर कहा सुनी हुई थी। बात सिर्फ इतनी सी थी, लेकिन इसमें किसी भी पक्ष ने कोई समझदारी नहीं दिखाई और आपस में उन्होंने भी इसको प्रेस्टिज इशू बना लिया विधायक जी ने, और उन्होंने कहा कि हमारी FIR लिखी जाए। हमने उनकी भी FIR लिख दी, जो विरोधी पक्ष था उसकी भी FIR लिख दी है। इसकी हम निष्पक्ष जाँच कराएंगे, लेकिन अगर इनमें कोई भी पक्ष एक समझदार होता तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। सर ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ कितने लोग और लोगों को? उन्होंने 16 लोगों को दिया था ओम प्रकाश राजभर की तरफ से, और जो इधर है इन्होंने भी कई लोगों का नाम लिख के दिया है। अब इसमें निष्पक्ष विवेचना हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये उठता है कि आखिर आरोपी जब कह रहा है कि वो गाय चराने गया था तो पुलिस का बयान अलग क्यों है? वहीं जिले के SP साहब का यूं कह देना कि ना केवल आरोपी पक्ष बल्कि विधायक को समझदारी दिखाना चाहिए था तो ये मामला इतना बड़ा नहीं होता, ये किस हद तक सही है? गाजीपुर से वनय सिंह की रिपोर्ट, UP तक।